आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज जैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। राहुल गांधी के बतौर नेता प्रतिपक्ष संसद में दिए गए पहले बयान पर ही खूब भूचाल खड़ा हो गया है। उसका अंजाम क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन उसकी चर्चा खूब हो रही है। विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक है। राहुल गांधी ने जिस तरह पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर को टारगेट किया है, उस पर देश भर में बहस हो रही है। नेता प्रतिपक्ष अपने बयान पर कायम है या पीछे हटे हैं? उससे कौन से अंश सदन की कार्यवाही से हटाए गए हैं? राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा से किस तरह चुटकी ली? और यूपी में वीआईपी कल्चर के खिलाफ सीएम योगी के अभियान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या बड़ी बात कही है, जानिएगा। इसके साथ ही और भी अहम खबरों की जानकारी देंगे। अब खबरें विस्तार से। अंजाम पता नहीं पर राहुल गांधी ने मचा दी राजनीति में हलचल। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद संसद में राहुल गांधी ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उससे राजनीति में हलचल मच गई है। वो जिस तरह पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्पीकर ओम बिरला से भिड़ते दिख रहे हैं, वो संसद के बाहर जबरदस्त चर्चा में है। भाजपा उन्हें निशाना बनाने में लगी है, तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक उसकी अलग व्याख्या में लगे हैं। खास तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह पीएम मोदी, भाजपा और आरएसएस को टारगेट करते हुए हिंदू हिंसा, सत्य और अहिंसा की परिभाषा को पेश किया है, वो देश भर में बहस का मुद्दा है। अब इसका अंजाम क्या होगा उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन राहुल गांधी ने संसद में अपने पहले ही भाषण में साफ कर दिया है कि उनके तेवर भारतीय जनता पार्टी के लिए तीखे ही रहेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के कई हिस्से हटा दिए गए। सोमवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा में पहला भाषण दिया। इस भाषण को लेकर काफ़ी चर्चा है। इसके कुछ हिस्सों को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अपने भाषण के हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाए जाने पर मंगलवार को संसद के बाहर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी की दुनिया से सच हटाया जा सकता है, लेकिन हकीकत से सच नहीं हटाया जा सकता है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर फैजाबाद सांसद ने दी अपनी प्रतिक्रिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हिंदू समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। वहीं विपक्ष नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का बयान बीजेपी के लिए था। अब इस मामले में फैजाबाद अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के लोगों की बुद्धिमत्ता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समुदाय पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा है, अरे हम भी तो हिंदू समाज में आते हैं भाई। अखिलेश बोले, 4 जून को हो गया सांप्रदायिक राजनीति का अंत। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के 7वें दिन मंगलवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सबसे पहले अखिलेश यादव ने कहा, 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी, 4 जून को सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है। देश के जागरूक मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र होने से बचाया। अयोध्या का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कुछ पंक्तियां भी पेश की, उससे उलट जो भाजपा समर्थकों की तरफ से गाई जाती रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सपा सुप्रीमो की संसद में पड़ी पंक्तियां वायरल हो रही हैं। यूपी में पुलिस के अभियान से सहमत नहीं डिप्टी सीएम। उत्तर प्रदेश के वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए चल रहे चेकिंग अभियान को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, इस तरह के अभियान से हम सहमत नहीं हैं, इसे रोका जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए पुलिस से अभियान चलवा रहे हैं। पुलिस सत्ता पक्ष के नेताओं की भी गाड़ी रोक कर हूटर, फ्लैश लाइट, शीशे पर काली फिल्म उतार रही है। इसे लेकर कानपुर के गोविंद नगर में भाजपा नेता शैलेंद्र त्रिपाठी और पुलिस में कहासुनी भी हो चुकी है। शैलेंद्र त्रिपाठी पुलिस वालों से भिड़ गए थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। उसके बाद पुलिस ने शैलेंद्र त्रिपाठी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, मुकदमा खत्म होगा और इस तरह से गाड़ियाँ रोक कर जो अभियान चल रहा है इससे हम सहमत नहीं हैं, इस अभियान को रोका जाना चाहिए। सीएम केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। आबकारी घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने 27 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें 3 दिन सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। सलमान खान को मारने के लिए ली थी 25 लाख की सुपारी।
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में नवी मुंबई पुलिस ने 350 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। पुलिस ने चार्जशीट में बताया है कि सलमान खान को जान से मारने के लिए लॉरेंस विश्नोई गैंग ने 25 लाख रुपए की सुपारी ली थी। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने 18 साल से कम उम्र के लड़कों को तैयार किया था। ये नाबालिग शूटर अगले कदम के लिए गोल्डी बराड और अनमोल विश्नोई के इशारों का इंतजार कर रहे थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए दलीडा हिंदी से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।